नेशन लाइव हर पल आपके साथ। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा, ओवरब्रिज से 30 फीट नीचे गिरी बस, दो की मौत, 35 घायल, बढ़ सकती है मरने वालों की तादाद, राहत और बचाव कार्य जारी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति, 50,000 बूथों पर करेगी मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम। गुजरात के सियासी रण में कल से उतरेंगे राहुल गांधी, दलित शक्ति केंद्र का करेंगे दौरा, स्वीकारेंगे तिरंगा, विजय रूपाणी ने राष्ट्रीय ध्वज लेने से कर दिया था मना। प्रद्युम्न मर्डर केस में घिरी हरियाणा पुलिस, कंडक्टर अशोक का आरोप, पुलिस ने जुर्म कबूलने के लिए किया था प्रताड़ित। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का ऐलान, स्कूलों में होगा पद्मती की पढ़ाई, महिला सशक्तिकरण में काम करने वाली महिलाओं को देंगे राष्ट्रमाता पद्मती पुरस्कार। नमस्कार, नेशन लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं अंशु कौशिक। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी छठी बार राजनीतिक जंग को फतह करने, बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति अपनाने जा रही है। बीजेपी गुजरात के 50,000 बूथों पर मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम करेगी। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के बूथों पर जाएंगे और बीजेपी की नीतियों पर चर्चा करेंगे। गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव 26 नवंबर को मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। पार्टी पहले चरण के बूथ कार्यक्रम पर पूरा करने के बाद दूसरे चरण वाले बूथों पर जाएगी। अब 18 दिसंबर को ही पता चलेगा कि चाय पर चर्चा की तरह मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम बीजेपी के लिए कितना सफल साबित होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात की सियासी जंग फतह करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। गुजरात नवसर्जन यात्रा के चारों दौर की यात्रा को पूरा करने के बाद एक बार फिर शुक्रवार को सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। दो दिवसीय दौरों के तहत राहुल गांधी इस बार दलित शक्ति केंद्र का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ स्वीकारेंगे। साथ ही राहुल भारत को छुआछूत जैसी कुप्रथाओं से मुक्त कराने के लिए भी शपथ लेंगे। बता दें कि इसी दलित शक्ति केंद्र पर विजय रूपाणी को राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था। गुजरात में दलित मतदाताओं पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राज्य के दलित मतदाताओं को साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का समर्थन हासिल करने के बाद राहुल गांधी अब दलित शक्ति केंद्र का दौरा कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार आज फिरोजाबाद पहुंचे, उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास संकल्प रैली का आयोजन किया गया। शहर व ग्रामीण इलाकों से मैजिक गाड़ियों से सुबह से ही जनता को लाया गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी का उड़न खटोला पीडी जैन कॉलेज ग्राउंड पर उतरा, समर्थकों की भारी जोश देखने को मिला और मुख्यमंत्री योगी ने बिना समय गवाए जनता का आभार प्रकट कर परिचय देते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में मेयर व पार्षदों के हक में वोट करने की अपील के साथ ही विकास की योजनाओं को गिनाते हुए विकास की बात कही। आपसे पानी निकले प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में, 60 नगरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया है। इन योजनाओं को और तेजी के साथ हम आगे कार्य कर सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बोल बनना प्रत्येक नगर निकाय में आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी आपके बीच दिए हैं, सुश्री भूपन राठौर को बापौर पद के प्रत्याशी। संभल में सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला अजान खान ने एक रोड शो का आयोजन किया। रोड शो के दौरान अब्दुल्ला अजान खान ने समाजवादी पार्टियों के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। हालांकि इस दौरान आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया। बता दें कि अब्दुल्ला अजान खान नगर निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशियों नाजिया लुकमान के लिए प्रचार करने आए थे और इसी दौरान उन्होंने 2,000 गाड़ियों का एक रोड शो निकाला। वहीं इसे प्रशासन भी आंखें बंद करके देखता रहा। पीलीभीत के कस्बा न्यूरिया में विकास के जो
आज काम दिखाई पड़ते हैं वो नगर पंचायत के मौजूदा चेयरमैन हिलाल अहमद के वादों पर मोहर लगाते हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विकास कार्यों को बताकर अपने पक्ष में मतदाता करने की अपील की। चुनावी सभा के दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक रुपया घर में नहीं था चीनी के लिए चाय बनाने के लिए, इसीलिए मैं अपने आपात नहीं बोलता। वो रुपया का दिन मेरे दिमाग में हटता रहता। जब कोई गरीब आदमी परेशान होता है वो एक रुपया मुझे जरूर याद आता। पार्टी ने आपको किस आधार पर टिकट दिया है? मेरे मौजूदा ईमानदारी और काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करेंगी? सरकार द्वारा जो भी कुछ योजना आएगी महिलाओं के लिए मैं घर घर पहुँचाऊंगी। प्रदेश सरकार से मानदेय बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कौशाम्बी में आंदोलन उग्र हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन में ताला जड़ते हुए पोषा आहार जलाकर अपनी मांगे बुलंद की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कौशाम्बी के DPO द्वारा घटिया पोषाहार दिया जा रहा है। पोषाहार न उठाने पर DPO ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवा समाप्त किए जाने की धमकी दी है। DPO ने धमकी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन उग्र कर दिया। आरोप है कि घटिया पोषण आहार से गर्भवती महिलाएं और बच्चों की सेहत बिगड़ती है। अधिकारी नहीं बोल रहे हैं जैसे कि कौशाम्बी में कभी सेवा समाप्ति की धमकी, पोषाहार नहीं उठाओगी तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी, कभी पोषाहार नहीं उठा रही है तो 700 आंगनबाड़ियों के मानदेय ब्रेक हो रहा है, ऐसा कर करके आंगनबाड़ियों को डरवाने का काम कर रहे हैं। यूपी में सरकार की ज्यादा से ज्यादा काम करने की सरकार की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रशासनिक अमला काम करने को तैयार नहीं दिख रहा। सरकारी डॉक्टर ऑफिस टाइम के अलावा मीटिंग करने को भी मौलिक अधिकारों का हनन मानते हैं। देखिए इस मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। यूपी का कौशाम्बी सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जिला है। यहाँ पर ACMO के पद पर तैनात एक डॉक्टर साहब इन दिनों एक चिट्ठी लिखकर काफी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल डॉक्टर ने जिले के DM और सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के अलावा कोई काम लेने या मीटिंग में बुलाने को गलत बताया है। उनका मानना है कि ऑफिस टाइम से पहले और बाद में मीटिंग रखे जाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन होता है। डॉक्टर साहब से बात करने पर उन्होंने इस पर हैरानी जताई कि ऑफिशियल लेटर मीडिया में कैसे आ गया। मुझे अभी कुछ मालूम नहीं, मैं तो कल एक ऑफिशियल लेटर ऑफिस में भेज दिया, मगर मुझे तो पहली बार ये भी पता मालूम नहीं, समझ में आया कि ये बाहर आप लोगों तक पहुंच कैसे गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस सब्जेक्ट को देखने के बाद हम लोगों के ऊपर से भी गाइडलाइन आती रहती है कि जितना जीवन शैली अच्छी होगी उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य विभाग और हम लोगों की तो इच्छा भी यही है और हम लोगों की ड्यूटी भी यही है। सलाह देना मेरा काम है, अनुरोध मेरा सरकार से किया है, जिलाधिकारी से किया है, अब डिसीजन लेना उन लोगों का काम है। वो क्या एडिशनल CMO की इस चिट्ठी से प्रशासनिक महकमे से लेकर सरकार में हड़कंप मच गया है। कौशाम्बी के DM मनीष वर्मा ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। चिट्ठी लिखने वाले डॉक्टर करीब एक साल पहले से यहां तैनात हैं और उनके जिम्मे खास तौर पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NHRM के काम हैं। जिले के DM अक्सर ऑफिस टाइम खत्म होने या छुट्टी के दिन भी मीटिंग करते हैं, जिससे खफा एडिशनल CMO ने प्रशासनिक अफसरों के साथ ही अपने डिपार्टमेंट के DG समेत जिम्मेदार लोगों को चिट्ठी लिखकर ऑफिस टाइम पर ही काम करने की सलाह दे डाली। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस चिट्ठी पर सख्त एतराज जताते हुए डॉक्टरों के मौलिक अधिकारों पर नसीहत दे डाली। देखिए मेरे पास वो चिट्ठी आई नहीं है, मगर शायद 15 साल के अंदर लोगों के अंदर थोड़ा जंक लग गया है
अब काम करने का समय आ गया है, तो 15 साल जो ऐश करी है उसको तो हमें कम करना ही पड़ेगा। और जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेके चल रहे हैं तो अधिक भी काम करना पड़ेगा, तो उसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मगर चिट्ठी आएगी, उसको पढ़ने के बाद जो भी उचित जवाब होगा वो जरूर दिया जाएगा। मौलिक अधिकार के आधार पर उन लोगों ने काम कर दिया सभी ने, ना तो ये स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी होती जो चरमरा गई हैं। आज बच्चे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट सबसे कम हो गया है। क्या पिछली सरकारों के अंदर ये जितने अधिकारी हैं सब लोगों ने मिलके ये सुनिश्चित किया था कि जितने भी कार्यक्रम हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण के वो ठीक से हुए? मौलिक अधिकार वहां पे होता है कि बच्चे स्वस्थ रहें, मौलिक अधिकार वो होता है जहां पे माताएं जो हैं जो गर्भवती हैं वो एनेमिक ना रहें, मौलिक अधिकार ये होता है कि सबको गरीबों को दवाएं मिले, मौलिक अधिकार ये होता है कि कोने कोने में जहां जहां गरीब है किसान है वहां तक हम स्वास्थ्य सेवा लेके जाएं। यूपी में योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर वैसे भी किरकिरी हो चुकी है, जिसके बाद से सरकार के मंत्री स्वास्थ्य विभाग के काम ना करने वाले डॉक्टरों अधिकारियों पर शिकंजा कस रहे हैं, जिससे यह संकेत जरूर मिलता है कि योगी सरकार की फजीहत कराने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई जरूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन लाइव। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए नेशन लाइव। નરેન્દ્ર ભાઈએ જે દેશમાં ગુજરાતના વિકાસનું મોડેલ મૂક્યું હતું, એ મોડેલ આજે પૂરા દેશે ગૌરવપૂર્વક સ્વીકાર્યું છે, એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે। પૂરા દમન કા માહોલ હે કે અગર કોઈ ભી ગુજરાત સરકાર કે ખિલાફ અગર કોઈ ભી ભાજપા કે ખિલાફ અવાજ ઉઠાને કી કોશિશ કરેગા તો ઉસે કુચલ દિયા જાયેગા। કિસાન દુખી, पाटीदार दुखी, पिछड़ा समाज दुखी, दलित समाज दुखी, आदिवासी समाज दुखी कि आपके विकास की इस गौरव गाथा से देश सीख रहा है और देश उसके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करके गुजरात की तर्ज पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हुआ है। और मैं ढूंढ रहा हूं, गुजरात में अगर सब लोग दुखी हैं तो खुश कौन? सबसे खुश वो व्यक्ति है जिसके बेटे की कंपनी महीनों में 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल सकती है। ये हमें सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए जिसके मुखिया जिनके भ्रष्टाचार पे आरोप लगे हो, कोर्ट में जमानत लेकर के बाहर रहना पड़ता हो, ऐसे लोग गुजरात कब बना कर सकते? आन जोन गन मौज गट गिरनार दिल दिल दाते नाम के तो तर गदने कांगरा रानक रडने राम डा राम थार डांग नल सैना चेन तांग संकरनो सोम सांग जिन जोगी बुद्ध बांग पर थी खलक कांग। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा, सब खुशियां बनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता पूछ रही अब अच्छे दिन कब आए। ब्रेक के बाद निशुल्क लाइव में आपका स्वागत है। इलाहाबाद में नगर निकाय के दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बसपा प्रत्याशी ने मऊ आईमा के मैदान में चुनावी सभा कर अपनी ताकत दिखाई।
उम्मीद से भी ज्यादा भीड़ देखकर बसपाइयों ने जीत का दावा भी कर दिया। इस जनसभा में भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। सपा के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव ने विवादित बयान देकर राजनीतिक पारे को और बढ़ा दिया। रामगोपाल यादव ने इटावा की एकदिल नगर पंचायत सीट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीएम योगी को सड़क चाप गुंडा कहा, तो वहीं पीएम मोदी की तुलना मारीच जैसे राक्षस से कर दी। उन्होंने नोटबंदी पर वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा करके महिलाओं की बचत को भी काला धन साबित कर दिया। ऐसा है कि सत्ता के मत में लोग पागल हो जाते हैं, तो वो उनकी स्थिति हो गई है। लॉर्ड एक्टन एक बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर, तो पूरी सत्ता आदमी को पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है, तो दिमागी तौर पर भी भ्रष्ट। उन्होंने ये कहा कि पावरवादी जो है राम की जगह अब कृष्ण की राजनीति करने लगे। अब उनके हर जवाब का इन छोटे मोटे यूपी के निकाय चुनाव में वोट पाने के लिए नेता कुछ भी बोल सकते हैं। इसका ताजा मामला बागपत की बड़ौत नगर पालिका का है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देने की अपील की, साथ ही विशेष समुदाय को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों को वोट नहीं दोगे तो मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर घंटा नहीं बचेगा। जातिगत आधार पर वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि चाहे लोग बीजेपी से खुश हो या नाराज, लेकिन वोटिंग कक्ष में जाने के बाद उन्हें केवल कमल का फूल ही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास भी कहने का कुछ नहीं होगा और देखो कहने का आपके पास भी कुछ नहीं होगा अगर भाजपा नहीं देंगे। हम तो मुजफ्फरनगर में एक बात कह रहे हैं, हमारे विधायक जी, कि भाई भाजपा जीतेगी तो सिर्फ चौक का घंटा बजेगा और कोई और जीतेगा तो हमारे यहाँ खड़ा पा रहे खड़ा पा। यूपी में नगर निकाय चुनाव से पहले चरण की वोटिंग में फर्जी मतदान की खबरें आई हैं। नगर पंचायत ओबरा के वार्ड नंबर संख्या 12 के मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान करने पहुंची चार महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष विजय यादव और सपा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सुधा देवी ने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया कि वह बाहर से लोगों को लाकर फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, जिसके बाद SDM CO ओबरा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और चार महिलाओं को हिरासत में ले लिया। बरेली में शादी समारोह से लौटते वक्त बाइक पर सवार चार दोस्तों की कार से टक्कर लगने से तीन दोस्तों को मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रिठौरा के लभेड़ा गांव के पास देर रात इको से उनकी बाइक टकरा गई। चारों एक ही बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों शराब के नशे में थे। हादसा होते ही इको कार का चालक मौके से भाग निकला। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया, जबकि विक्रम का गंभीर हालत में इलाज शुरू कर दिया है। सर ये रिफरल तरफ जा रहे थे, मतलब वही थे तो वहां से मतलब जूता चप्पल कुछ खरीदने आए होंगे, वही सर रोड पे बातें होते कुछ कर रहे होंगे सर, वहाँ यूको गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ, वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए नेशन लाइव। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा, सब खुशियां बनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
दिलाएंगे। देश की जनता पूछ रही अब अच्छे दिन कब आएंगे। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 7678076780 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के कौशाम्बी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्र और उसके पिता की मौत हो गई, जबकि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा सैनी थाना इलाके के लहदरी पुल के पास उस समय हुआ जब दोनों बच्चे अपने पिता के साथ बाइक से स्कूल जा रहे थे। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने कौशाम्बी प्रतापगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची सैनी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सर्कल अफसर सिरादू का दावा है कि उन्होंने नाराज लोगों को समझाकर यातायात फिर से सामान्य कर दिया है। स्कूल जा रहे थे दो बच्चे, तो सोचे कि चले छोड़ या डेली छोड़ने जा रहे थे, तो वही बैठा ला बाइक पे और लेके जब रोड पे चढ़े तो ट्रक वाला सामने से आके मार दिया टक्कर गाड़ी पे, और गाड़ी चली गई उस पार खंती के उस पार नीचे चली गई, गाड़ी पिस गई, एक लड़का दर पे खत्म हो गया, पीरा सर और सब छितरा गया। भैया लड़का इतना बड़ा था सर जी, अब फिर उनको सही नहीं ले गए लड़की बाप एडी को ले। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर वालों को पता लगा कि जीजा ने अपने दो सगे नाबालिग सालों की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जीजा ने अपने सालों की सोते वक्त हसीये से गर्दन काट दी और हसिया मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। सुबह जब घर वालों ने अपने दोनों बेटों के शव जमीन पर पड़े देखे तो उनके होश उड़ गए और आनन फानन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी जीजा की तलाश में जुट गई। सुबह सूचना मिली हम लोगों को कि दो बच्चों को मर्डर हो गया है। आने के बाद पता लगा लड़की है, उसके पति ने ही अपने दोनों सालों का हत्या किया है। हसिया और डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसमें मुख्य रीजन है समझ में आ रहा है, जो अभी बात हुई है उससे लड़की ने बताया है कि उसको विदा कराने के लिए आया था, लड़की साथ जाने के लिए नहीं तैयार थी, वो पीने का आदि था, तीन दिन से आकर के। फिल्म पद्मावती पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने रानी पद्मावती के चरित्र पर जानकारी देने के लिए अब इसे अगले शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में शामिल करने का आदेश दिया है। सीएम चौहान ने ये घोषणा समग्र राजपूत समाज द्वारा उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। बता दें कि राजपूत समाज के नेताओं ने यह कार्यक्रम फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म पद्मावती को मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया था। राजपूताना संस्कृति की रक्षा के नाम पर फिल्म पद्मावती का पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं एक और राजपूताना समाज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। जी हां, अकबर के साथ लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप की सेना में जो सैनिक थे उनके वंशजों का आज बुरा हाल है। महाराणा प्रताप की आज्ञा को मानते हुए ये लोग आज भी खानाबदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं और आज तक किसी भी सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया।
इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी कम मिल पाता है, वहीं इनके लिए किसी भी सामाजिक संगठन ने आवाज नहीं उठाई है। हम राजस्थान में रहने वाले थे और अब एमपी में आ गए। एमपी में कुछ खेती बाड़ी सरकार ने कुछ मदद नहीं किया हमारे लिए। हम ऐसे घूमते फिरते रहते महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, झारखंड में, सभी देश में जाते हैं। कुछ मदद नहीं किया सरकार ने, वैसे घूमते फिरते। हमारे बच्चे लोग पढ़े लिखे नहीं है। कुटिया निकली थी सरकार की तरफ से, सब लोगों को हमको कुटिया भी नहीं दी, हमारी जगह वैसी पड़ी है। पहले हमारे बुजुर्ग पहले इधर चित्तौड़गढ़ रहते थे, महाराणा प्रताप के टाइम के निकले हुए हम। जो महाराणा प्रताप का उनका ये युद्ध उन्होंने शुरू किया था, उस समय पे हम लोग उन लोगों को प्रजा थी महाराणा प्रताप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव।